खंडवा में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें घायलों के लिए एक पत्रकार ने मानवीय चेहरा पेश किया। खंडवा के मूंदी के पास एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्कूल में टीसी लेने जा रहे पिता पुत्री को एक वाहन ने टक्कर मार दी। ये खंडवा से पुनासा की ओर जा रहे थे, अज्ञात बाइक सवार तेज गति से आया और इन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया। मूंदी जा रहे खंडवा के पत्रकार चेतन मंडलोई ने कार से इन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायल अभय सिंह को मूंदी में प्राथमिक उपचार के बाद खंडवा रेफर किया गया है। अभय सिंह की बेटी भी आंशिक रूप से घायल हुई है। ये परिवार खंडवा के पुनासा का रहने वाला है। बेटी की टीसी लेने के लिए ये जा रहे थे। घटनास्थल से गुजर रहे खंडवा के पत्रकार चेतन मंडलोई ने इन घायलों की जान बचाई है। एम्बुलेंस नहीं आने पर घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाया जिसके बाद उसका उपचार शुरू हो पाया। खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गंभीर रूप से इस घायल को समय पर उपचार मिल पाया है जिसमें खंडवा के पत्रकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिता के साथ जा रही बेटी भी घायल हुई है, उसने पूरा घटनाक्रम बताया। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? हम पुनासा जा रहे थे तो सामने से एक बाइक आ गई, इसीलिए उसमें टक्कर हो गई थी। तो आप कौन कौन थे गाड़ी पे तुम्हारे साथ? मैं और मेरे पापा। हम खंडवा में रहते हैं तो अभी स्कूल में भर्ती कराया है, तो टीसी लेने जा रहे थे गाँव। वो बाइक वाला भाग क्या गया जिसने? क्या बता, देखा ही नहीं। एक दिन से बहुत जम से गिर गई तो मैं पापा को देखने के सर पर देखा। पापा कहाँ कहाँ लगा? पापा कहाँ कहाँ लगा? पापा को यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पे भी, पैर में भी कई।